अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद कलीम ट्रांसमिशन ऑफ इंडिया की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबरें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं आपका दोस्त मोहम्मद कलीम। दोस्तों, कुछ हाल ही से हम देख रहे हैं कि कुछ मैसेजेस जो फॉरवर्ड कर रहे हैं व्हाट्सएप पे, मैसेज रहो या वीडियो रहो, व्हाट्सएप तो एक आम वेबसाइट हो गई है कुछ भी किसी को पहुंचाने के लिए। क्या कभी आपने कभी ये सोचा है कि आपकी इस गलती की वजह से किसी का दिल टूट सकता है, किसी को तकलीफ पहुंच सकती है? हाल ही की एक छोटी सी बात ले लीजिए, परसों में एक का इंतकाल होता है और तस्फीन के लिए लेके जाते हैं। वहाँ पे तस्फीन के लिए लेके जाते हैं तो वहाँ पे कहा जाता है, एफआईआर उड़ जाती है कि कोरोना का पेशेंट है, इसको जगह नहीं देना चाहिए। कहीं भी जगह नहीं देते हैं तो हमारे हिंदू भाई लोग जो है उन्होंने मस्तान घट्टी में जगह देते हैं तस्फीन करने के लिए, वहाँ पे तस्फीन होती है। मैं उन लोग को कहना चाहता हूँ ये बात मत करो, ऊपर वाले से डरो। आप किसी के घर के सामने एम्बुलेंस देखते हैं तो आप डायरेक्टली मैसेज फॉरवर्ड कर दे रहे हैं कि ये बोल दे रहे हैं कि भाई कोरोना पेशेंट है, वो घर में ऐसा एम्बुलेंस है। आपकी ये गलती की वजह से उनके पास कुछ अगर परेशानी आ रही है तो कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है। व्हाट्सएप पे आप मैसेज किए, अगर आपको मैसेज अगर आप भेज रहे हैं तो आप मैसेज पढ़ रहे हैं, आगे फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। आप ये नहीं जान रहे कि मैसेज क्या है, कौन भेजा, वो क्या बात सच है, क्या बात वो गलत है, आप ये नहीं जान रहे। आप जैसा मैसेज आता है मैसेज को देखते हैं, खुशी खुशी पढ़ते हैं, अगले फॉरवर्ड कर देते हैं। इसके चलते हुए किसी को बुखार रहता है, किसी को कुछ रहता है, किसी को, हर किसी के अलग अलग प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई किसी घर के सामने आप एम्बुलेंस देखेंगे तो आप डायरेक्ट दोस्तों में रिश्तेदारों में फॉरवर्ड कर देंगे कि भाई ऐसा हुआ, कहते पेशेंट आए, कहते वहाँ पर कोरोना पेशेंट निकला। ये सब गलत बात है। आपकी गैर जरूरी है एफआई की वजह से उनके कोई रिश्तेदार आके नहीं मिल रहे, उनके कोई अपने लोग आके नहीं मिल रहे। अरे यार शर्म पकड़ो, यार शर्म पकड़ो। क्या फोन चलाना आ गया तो व्हाट्सएप आ गया तो आपके पास जो चाहे वो करेंगे? मत करो यार, किसी को बदला मत करो। आपके पास पक्का सबूत है, पक्का वो पेशेंट ही है, वाकई में पेशेंट ही निकला उनके घर में, तो आप वीडियो फॉरवर्ड करो, बहुत अच्छी बात है। और आपका काम ही नहीं है, वो सब मीडिया का काम है। भाई मीडिया कर रही है अपना काम, मीडिया ले रही वीडियो, मीडिया जो करना है वीडियो वो ले रही, कर रही, मीडिया में फॉरवर्ड हो रहे हैं अलहमदिल्ला, 4D पे, सच न्यूज पे, तकरीबन न्यूज चैनल है, एन आई है, बहुत से न्यूज चैनल है।